Hello everyone, I am Syed Qasim and welcome to another vlog. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. और अगर आज फिर मौसम की बात की जाए तो मौसम फिर से बड़ा सनी हुआ है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको तो पता है कि भाई को सूरज अच्छा लगता है, सनी वेदर अच्छा लगता है। और आज का सीन कुछ ये है, आज जरा सीन बनाना पड़ेगा अभी, लेकिन एक सोचा भी हुआ है कि मेरे भाई का टेस्ट है। टाइम तकरीबन 7:50 हो गए हैं, टाइम तकरीबन 7:00, मेरी बहन इधर है, ये पता नहीं क्या कह रही है। अच्छा खैर, टाइम 7:50 हो गए और मुझे उसको लेके जाना है। तकरीबन 8:00 उसने कहा था कि निकल जाना है, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट तो बस जल्दी से सब कुछ करके गाड़ी स्टार्ट करके चले जा रहे हैं उसको लेके। दुआ करें उसका टेस्ट अच्छा हो। यार मैं नीचे गया, मैं फिर मुझे एक चीज़ याद है कि मैं इतनी इम्पॉर्टेंट बात मैंने किस तरह नहीं आप लोगों से की, इतनी इम्पॉर्टेंट बात, वो ये कि सब्सक्राइब कर दें मेरे इस एफर्ट पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैं नीचे गया, फिर मैं ऊपर आया बस ये कहने के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए कि भाई मेरी बहनों मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो अभी हम जैसे ही निकले ना घर से, जैसे निकले मुझे याद आया कि यार मेरा लाइसेंस और मेरा आईडी कार्ड तो मेरे पास ही है। घर गए, उनको कहा कि दरवाजे पे दे देना, तो ये लेके आए हैं। अभी मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है, खैर अभी लेके आए, अभी हम जा रहे हैं टेस्ट दिलवाने भाई का, मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक। यार बड़ी मुश्किल सिचुएशन, इंटेंस हो गई कि टाइम टेस्ट के लिए थोड़ा रह गया और सफ़र है ज़रा थोड़ा ज़्यादा सफ़र, देखें अल्लाह करे पहुंच जाए टाइम पे। भाई को छोड़ दिया, शुक्र एंट्री हो गई थी उसकी, तो अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग में जिधर गाड़ी पार्क की है, तो बैठते गाड़ी में जाकर जी लेन जी गाड़ी में मैं आके बैठ गया हूँ। और टाइम तकरीबन अब 9 से ऊपर हो चुका है और 9 मेरे भाई का टेस्ट स्टार्ट होना था, हो गया होगा, अब देखिए कैसा होता है। अच्छा ही हो तो अच्छा है, और वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं इतने टाइम यहाँ बैठ के करूँगा क्या यार, क्या करें। हाँ जी, तो ले जी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो गया था बैठे हुए और बहुत बोर हो रहा हूँ मैं, समझ नहीं आ रही कि यार करूँगी तो मैं क्या करूँ, क्या किया जाए। टिकटॉक बनाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बस सब बड़ा कंट्रोल है, बस एक छोटा सा मसला है कि कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਟੋਣੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਅੱਜ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋਣੀ, ਅੱਜ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? ਤੋ ਇਸਮੇ ਇਤਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਲੇ, ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਗੀ ਤੋ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਮ ਮੇ ਸਕੁਆਟ ਮਾਰਨੇ ਥੋੜੀ। कैसा लगता है अपने गाए हुए गाने पे लिप सिंक करना? खुद को बचाए रे, हमसे छुपाए रे, ऐसा करना ही प्यार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। हो हाँ जी, हाँ जी, तो यार तकरीबन 2.5 घंटे हो गए मुझे गाड़ी में बैठे हुए, यार इतना इंतज़ार, यार इतना इंतज़ार। एक तरफ मैं सोचता हूँ कि यार 2.5 घंटों से मैं बैठूँ, लेकिन जब मैं सोचता हूँ ना कि यार टाइम लग रहा है तो शायद टेस्ट उसका अच्छा ही हो रहा हो, अल्लाह करे,
तो फिर एक होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ क्या पता उधर से आते आते अभी तक नहीं आया, तो मतलब कि अच्छा ही हो रहा है उसका टेस्ट, अल्लाह करे अच्छा हो, तो देखते और कितना इंतज़ार करना पड़ता है जी। तो अभी वो वापस आ रहा है, मैंने देखा उसे, तो अभी पूछते हैं कि क्या सीन बना है। आ रहे आ रहे, वो आ रहा पीछे से, नजर आ रहा है, अभी पूछते हैं। हाँ क्या बना है? इनिशियल क्लियर हो गया मेडिकल 14 पे, तो इनिशियल वगैरह कर दिया पास। हाँ पास। वाह, तो अब क्या क्या है? अब मेडिकल और इंटरव्यू रह गया, परसों 14 पे होगा 4 दिन बाद, उसके बाद फिर डेट आएगा एसएसबी की, अगर सिलेक्ट हो गए। हाँ जी, तो अभी घर पहुँचे हैं और सारे रास्ते ब्लॉग में इसलिए बनाया क्योंकि रश एक होते ऊपर से मैं थक बहुत गया हूँ। सबसे अच्छी बात है कि टेस्ट शुक्र है भाई का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उसका जो है बाकी जो प्रोसेस है वो 14th of March को है। सब दुआ करें कि अच्छा हो, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर तक, थोड़ी देर तक ज़रा रेस्ट कर लें हम। हाँ जी, घर है, घर आके चाय वगैरह पी, बिस्किट खाया चाय के साथ और सो गए। अभी उठे, उठ के ज़रा नमाज वगैरह पढ़ी और टाइम देखें, टाइम हो गया तकरीबन 6:10 है और सारी सोए हुए थे जब मैं उठा, तब सारे सोए थे, मामा बहन भाई। मैंने नमाज पढ़ी उठ के, मामा भी उठ गई, फिर मामा ने जो है बहन को उठाया और भाई मेरा अभी तक सो रहा है। अरे पास करके आए हैं टेस्ट, सेलिब्रेशन सोने की। हाँ जी, तो यार मैं बैठा हुआ था तो मामा ने मुझे कहा कि उन्होंने ये संभाल के रखी थी मेरी, ये कौन सी क्लास है मेरी, प्रेप क्लास की, तो देखते भी। ये देखें जी, ये है कासिम शहजाद, यानी मैं, राइटिंग चेक करें मेरी। ओए हो, क्या बात है भाई, 24/4 का क्या मतलब, 2004 है, 24 जुलाई, ओह 24 अप्रैल 2004 की होगी शायद। लाइनें मेरी डिंगी डिंगी लाइनें लगाई मैंने, कलर देखें भाई की क्यों है। ओए होए, ये मुझे याद भी नहीं कि क्या ये अच्छा मैंने, ओहो क्या बात है भाई। देखिए अच्छा, कंट्रास्ट का मुझे बचपन से ही मतलब सेंस है कि कैसा रंग किसके साथ सही लगता है, कि ये जो है ये तो ये बड़ा सही है। ओए होए होए होए, राइटिंग देखें मेरी, आगे मेरा नहीं है और कोई काम, हाँ आगे कोई काम नहीं। तो ये थी मेरी प्रेप क्लास की बुक, प्रेप क्लास की ये सारा काम था मेरा। और अब भाई ने माशाल्लाह से MBBS यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। दुआ करें कि जो है सारा प्रोसेस जल्दी से हो, जल्दी से सब कुछ मेरा लेटर वगैरह है और फर्दर स्टडी जो है स्टार्ट करें। तो ये था आज का ब्लॉग, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें जो सा पार्ट अच्छा लगे और मेरी वीडियोज़ को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए मुझे। और हाँ, चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।